इंसान ने जब से ये जाना है कि पृथ्वी के अलावा भी हमारे सौरमंडल में और अन्य सितारों पर ग्रह मौजूद हैं, तब से मनुष्य के मन में एक सवाल का जवाब ढूंढने की ललक बढ़ गई है, और वो सवाल है, क्या धरती के अलावा भी कहीं जीवन मौजूद है। इस क्षेत्र में विश्व की कई स्पेस एजेंसियां काम कर रही हैं, और नासा का ये भी कहना है कि शायद हम एलियन जीवन 2025 तक ढूंढ लेंगे। और हाल ही में कुछ ऐसी खोज हुई है जिससे ये कहा जा सकता है कि नासा ने संभावित एलियन ग्रह ढूंढ लिया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक्नोबिज, मेरा नाम है राजीव रंजन कुमार। तो आइए जानते हैं नासा के इस खोज के बारे में। नासा ने क्या ढूंढा है, इस रहस्य पर से पर्दा उठाने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि एलियन जीवन किस तरह के हो सकते हैं। जब हम एलियंस के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर आती है जिसमें एक बड़ी आंखों वाला प्राणी यूएफओ में बैठा होता है। पर एलियन जीवन सिर्फ यूएफओ चलाने वाले जीव तक सीमित नहीं है। एलियन जीवन एक छोटे से कीटाणु के रूप में भी हो सकता है जो दूसरे ग्रह पर पनप रहा है, या फिर वो एक बुद्धिमान जीव के रूप में भी हो सकता है जिसने अभी अभी अपनी सभ्यता की शुरुआत की हो, जिसने शायद अभी अभी खेती की खोज की हो। ऐसे एलियन जीवों को ढूंढने के लिए हमें उस ग्रह तक जाना होगा, क्योंकि ये जीव इतने विकसित नहीं है कि ये हमसे संपर्क कर सकें। दूसरी तरफ एलियन जीवन हमसे भी विकसित हो सकता है, जिसने प्रकाश से भी तेज चलने की तकनीक हासिल कर ली हो, और वो हमारे ग्रह पर यूएफओ में बैठकर चुपके से आते जाते हो। जब बुद्धिमान एलियन जीव की बात आती है तो उनकी सभ्यता का स्तर नापने के लिए एक मापदंड मौजूद है जिसे कार्दशेव स्केल कहा जाता है। इस स्केल के मुताबिक बुद्धिमान एलियन जीव तीन तरह के हो सकते हैं। पहला है टाइप 1 सिविलाइजेशन, जिसे हम प्लैनेटरी सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। इस तरह के एलियन जीव अभी अपने सभ्यता के विकास के शुरुआती दौर में है, और ये अपने ग्रह पर आ रहे सूरज की ऊर्जा और पेड़ पौधों और जीवाश्म की ऊर्जा का ही इस्तेमाल करने की क्षमता या तकनीक रखते हैं, यानी कि हम मनुष्य भी अभी टाइप 1 सिविलाइजेशन के जीव हैं। दूसरा है टाइप 2 सिविलाइजेशन, जिसे हम स्टेलर सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। ये एलियन जीव इतने उन्नत हो चुके होंगे कि उनकी ऊर्जा की जरूरत उनके ग्रह पर आ रहे सूरज की रोशनी, पेड़ पौधों या जीवाश्म से पूरी नहीं होगी, और उनकी तकनीक इतनी बढ़ चुकी होगी कि वो अब ऊर्जा बनाने के लिए अपने सौर मंडल के सितारे की सारी ऊर्जा का नियंत्रण और उपयोग कर रहे होंगे। तीसरा है टाइप 3 सिविलाइजेशन, जिसे गैलेक्टिक सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। इस तरह के एलियन जीव की ऊर्जा की जरूरत उनके सौर मंडल के सितारे से भी पूरी नहीं हो सकती। तो इस